सो आप देख रहे हैं ये बनता हुआ हमारा लच्छा पराठा। क्या बात है, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। ओहो, इस तरीके से बनते हैं लच्छे। आप बनाना सीखिए, सीखिए बनाना। आप घर पे आप बना सकते हैं लच्छा पराठा। कैसे बनता है, उनमें जो लच्छे होते हैं वो कैसे डाले जाते हैं आप देख सकते हैं। और ये इसके ऊपर डला आपका अमूल बटर। क्या बात है, आप देख सकते हैं अमूल बटर इसके ऊपर लगता हुआ। इसके जो परते हैं आप देखते हुए, ये हमारी लगती हुई कश्मीरी नान। कश्मीरी नान के अंदर सारे जो होते हैं आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगते हैं, आप देख सकते हैं काजू आ गया, किशमिश आ गया आपका। बहुत बढ़िया तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स आप देख सकते हैं लग रहे हैं इसके अंदर, भरे जा रहे हैं। कश्मीरी नान की तो बात ही अलग है। और ये पूरा इसका डो अब शेफ जो है बनाएंगे इसका अच्छे से, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बन रही है। ये ड्राई फ्रूट्स देख सकते हैं आप, ड्राई फ्रूट्स इसमें निकलने को तैयार है। देख रहे हैं आप ड्राई फ्रूट्स, थोड़े और नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। इसमें थोड़ा मेहनत लगता है, इसी तरीके से स्नान को बनाया जाता है। और ड्राई फ्रूट्स किस तरीके से फैला रहे हैं शेफ इसको, बहुत ही बढ़िया तरीके से बना रहे हैं। और ये अब सीधे जाएगी आपका तंदूर के अंदर। और जी ये आ गया इधर शेफ, दिखाना एक सेकंड। और ये आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं देखने में, ठीक है शेफ। और ये जाएगा सीधा आपका तंदूर में। कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है सामने, लगा रहा कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है सामने आपका कश्मीरी नान आपका। और ये अब दूसरा हमारा लच्छा पराठा, और ये गया सीधा तंदूर के अंदर, आप देख सकते हैं। अब ये दोनों जो होंगे क्रिस्पी होंगे इसके अंदर। शेफ कितना टाइम लगेगा इनको, 10 कम से कम भी 10 मिनट इनको लग जाएगा। ये आपके सामने आ गया है लच्छा पराठा और हमारा कश्मीरी नान, और आप देख सकते हैं अमूल बटर का यूज़ होता है। वाह क्या बात है, अब इस पूरे पे अमूल बटर जो है लगेगा अच्छे से, अमूल बटर जो है इस पर लगेगा। सो आप देख सकते हैं अमूल बटर का कितना ज़्यादा यूज़ होता है, लच्छा पराठा कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है। और ये कश्मीरी नान क्या बात है, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अभी इसकी कटिंग होगी और ये फटाक से, क्या बात है कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। अरे वाह, बहुत बढ़िया तरीके से कटिंग कर रहे हैं शेफ़ इसकी। और जी अब ये लच्छा पराठा की कटिंग होगी। अरे वाह जी वाह, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है फाइनल लुक।